नमस्कार जी, कैसे हैं आप भाई बंधुओं, भाई बहनों? आप नहीं जानते होंगे दोस्तों, भगवान शिव को क्यों कहा जाता है त्रिपुरारी। और कार्तिक पूर्णिमा की जो है पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने दोस्तों जा रही हूँ, जिसे सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देके जाती हैं कि पूरा साल आपका रुपए पैसों से खजाना आपका भरा रहेगा। पौराणिक कथा के दोस्तों मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके तीन पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और बिगुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीन अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्माण किया। तार कक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और बिंदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चार घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाने जाना लगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मेरी पुरानी कथा ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे धार्मिक चैनल है मेरा और मैं आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगा। धन्यवाद।